चालू करते हैं आगे का लेक्चर। तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग्स को कंप्लीट कर चुके हैं, क्या क्या वेल्डिंग्स होती हैं, और फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग कंप्लीट करके उसके वेल्डिंग के एडवांटेजेस फिर से पढ़े कि क्या क्या एडवांटेजेस वेल्डिंग के अंदर होते हैं जिस कारण वो रिवेट्स और बोल्ट से थोड़ा सा सुपीरियर है, और हमने डिसएडवांटेजेस भी पढ़े वेल्डिंग के। तो अब वेल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे सकता था, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस करा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग स्टूडेंट ढंग से नहीं पढ़ पाता है क्योंकि बुक्स में उसके बारे में मेंशन नहीं होता है, और मैंने कभी भी यूनिट को ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया कि हाँ जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ाऊँ। मैं हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज देने में बिलीव रखता हूँ, क्योंकि कल को जब साइट पे जाओगे तो आपको नॉलेज सारी होनी चाहिए। मैं आपको एक साइट का एक पक्का इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, एक सरकारी इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, ताकि साइट पर आपकी इज्जत हो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमने एडवांटेजेस भी वेल्डिंग के पढ़ लिए। आज का जो मेरा मुद्दा है, आज का जो मेरा टॉपिक है, अब मैं टोटली फोकस हो जाऊंगा वेल्डिंग की तरफ आज के लेक्चर में। इससे पहले लेक्चर में भी जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग पढ़ रहे थे और एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग पढ़ रहे थे, तब भी हम वेल्डिंग के लिए फोकस थे, बट वेल्डिंग को हमने कभी कभार बोल्ट से कंपेयर करा, कभी रिवेट से कंपेयर करा। अब कंपेरिजन सारा बंद, अब मैं आ जाऊंगा टोटल आपका टोटल वेल्डिंग पर, क्या क्या होता है वेल्डिंग में, क्या क्या होता है वेल्डिंग में। अगर हम सिंपल सी बात डिस्कस करें तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा डाउट आज क्लियर करूंगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत से स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं वेल्डिंग की या बात करते हैं मेंबर्स की, ध्यान से देखना, मेंबर्स में अगर मेरे को दो मेंबर ज्वाइन करने हैं तो मैं अपना वेल्डिंग प्रोसीजर यूज कर सकता हूं, वेल्डिंग का प्रोसेस भी यूज कर सकता हूं। जहां पर दो मेंबर ज्वाइन होते हैं उसको बोला जाता है ज्वाइंट, जहां पर दो मेंबर या दो से ज्यादा मेंबर ज्वाइन होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो ये मेरे फिंगर्स के बीच में एक बाउंड्री है, लाइक ये ज्वाइंट है। मेरी बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत से कंफ्यूजन दूर करूंगा और बोल रहा हूं बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, जो कि किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है, इतना डिटेल में कहीं पर लिखा नहीं, सबने टाइम पास करा हुआ है, ठीक है। तो जहां पर हम दो मेंबर्स को ज्वाइन कर देते हैं उसको बोलते हैं हम ज्वाइंट, और जिस फास्टनर की हेल्प से, जिस फास्टनर की हेल्प से, यहां पर मैं कौन सा फास्टनर यूज कर रहा हूं, यहां पर मैं फास्टनर यूज कर रहा हूं अपना वेल्डिंग। मेरी बात ध्यान सुनना, जहां पर टू और मोर मेंबर्स, जहां पर मैंने दो या दो से ज्यादा मेंबर्स को जिस जगह ज्वाइन करा उसको बोलते हैं ज्वाइंट, और जिस फास्टनर की हेल्प से मैंने उनको ज्वाइन करा, जैसे कि हम रिवेट्स बोल्टिंग कंप्लीट कर चुके हैं, बट आज की तारीख में हम क्या पढ़ रहे हैं, जिस फास्टनर की हेल्प से हम इन दोनों मेंबर्स को ज्वाइन करेंगे उसको बोलेंगे वेल्ड। जहां पर दोनों जो दोनों मेंबर्स है, दो से ज्यादा मेंबर आपके जुड़ गए उनको बोलेंगे ज्वाइंट, और जिनकी हेल्प से हम ज्वाइन करेंगे उसको बोलते हैं वेल्ड, क्योंकि हमने रिमेनिंग फास्टनर्स अपने कंप्लीट कर लिए। एक्चुअली मैं आपको इतना डीपली इसलिए बता रहा हूं या फिर इस बात पर फोकस इतना कर रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आपसे एक्चुअली पूछा जाता है, वो आपसे क्या करेगा, वो पूछ लेगा कि आपको वेल्डिंग का एक डायग्राम दे देगा या दो मेंबर्स दे देगा अलग अलग पोजिशन में। वो सिंपल से पूछेगा कि मुझे बताओ कि इसमें कौन सी वेल्डिंग है और कौन सी ज्वाइंट है। जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था इस कॉलेज में। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2007-08 में मैं कॉलेज में था तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि यार ये समझ में नहीं आ रहा कि वेल्ड है जॉइंट है। तो हमें धीरे धीरे इसमें पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आपको आगे की चीजें क्लियर होंगी। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अच्छा सा मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, अभी सब पता हुआ, यहां पर इन्होंने दो मेंबर्स को ज्वाइन करा हुआ है। अगर दो मेंबर्स को ज्वाइन करा हुआ है तो जहां पर ये ज्वाइन हो रहे हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट। और भैया आपने हमने यहां पर किस फास्टनर की हेल्प से ज्वाइन करा है तो हमने बोल दिया वेल्ड। तो अगर मैं इन दो मेंबर्स के बारे में बात करूं तो एक तो यहां पर ज्वाइंट है, यहां पर दोनों मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं, और दूसरा वो फास्टनर है जिसकी हेल्प से हमने इन दोनों मेंबर्स को ज्वाइन करा है उसको हम बोलते हैं वेल्ड। तो अगर आप इसके आगे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, अ बट वेल्डेड टी जॉइंट। दैट मींस अगर इस लाइन में इस मेंबर को डिस्क्राइब करा है कि कौन सा जॉइंट है, तो देखो यहां पर एक तो आ रहा है आपका जॉइंट,
और दूसरा आ रहा है आपका यहाँ पर वेल्ड, दैट मीन्स फास्टर। दैट मीन्स जब भी हम कनेक्शन की बात करेंगे या किसी वेल्डिंग से अगर आपने किसी दो मेंबर को ज्वाइन कराया तो वहां पर हम बात करते हैं दो तरीके से। पहली बात तो ज्वाइंट कौन सा था, ज्वाइंट कौन सा है, अभी मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा, जीरो लेवल से बताऊंगा। और दूसरा किसकी हेल्प से वेल्ड कराया। अगर मैं आपको और कुछ दिखाना चाहूं, देखो इधर आ जाओ, यहां पर अगर मैं देखूंगा तो इन दोनों के बीच में है ज्वाइंट, तो कौन सा ज्वाइंट है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इन दोनों जो मेंबर्स को जो हमने ज्वाइन कराया, जिस जगह ज्वाइन हुआ उसको तो बोल दिया ज्वाइंट, किसकी हेल्प से कराया, वेल्डिंग की हेल्प से कराया। तो देखो टोटल क्या बन गया, अब बट वेल्डेड बट ज्वाइंट। अभी मैं धीरे करूं, दैट मींस जब भी हम किसी भी मेंबर को स्पेसिफाई करते हैं कि किससे आपने ज्वाइन करा है, तो हम ये भी बताते हैं उसमें कि कौन सा जॉइंट था और किसकी हेल्प से। दैट मींस कभी भी अगर हम वेल्डिंग की बात करेंगे और मेंबर्स का डिस्कशन करेंगे तो हमेशा ये बताया जाता है कि पहली बात तो मेंबर्स के बीच में जॉइंट कौन सा है, और जो मेंबर्स के बीच में जॉइंट है वो किसकी हेल्प से बनाया है, वेल्डिंग की हेल्प से बनाया है। तो आपके ध्यान, क्योंकि मेरे कॉलेज में मुझे लगता था ये दोनों एक ही चीज है, कभी भी आपको ये लिखा हुआ नहीं है। देखो अगर मैंने किसी भी दो मेंबर्स को विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग ज्वाइन करा, अगर मैंने किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा मेंबर्स को विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग ज्वाइन करा, तो वहां पर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वहां पर ओनली वेल्डिंग लिखी होगी। तो मेरे को क्या होता था, मेरे को कॉलेज में पता ही नहीं था कि वेल्ड अलग चीज है, ज्वाइंट अलग चीज है। और कहने का मतलब क्या है, जब भी आप इसको किसी कोई एक लाइन स्पेसिफाई करेगी तो ये भी बताएगी कि भैया पहली बात तो वेल्ड कौन सा यूज करा है और दूसरा आपने जॉइंट कौन सा यूज करा है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस पढ़ना पड़ता है बिटवीन अ वेल्ड एंड अ जॉइंट। अगर हम वेल्ड की बात करें, अ यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, जिसने जॉइन कर दिया। व्हाट डज यूनियन मींस, यूनियन मींस जॉइन। वेल्ड एक ऐसा प्रोसेस है जो दो मेंबर को जॉइन करता है। वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो दो मेंबर्स को जॉइन करता है बाय यूजिंग हीट, by using pressure, by using friction, by using electron beam method, by using laser method। welding के भिन्न भिन्न प्रकार के different types में आपको पढ़ा चुका हूं। तो that means अगर हम बात करें heat की, बात करें pressure की, तो ऐसी बात नहीं, friction से भी welding होती है। हाँ बात क्या है कि friction से finally heat ही generate होती है। अगर मैं friction की बात करूं, देखो अगर मैं बात करता हूं friction की, तो friction finally heat ही generate कर रहा था। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, फोर्स भी लगता है और हीट भी प्रोवाइड होती है ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन बीम मेथड की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन बीम मेथड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी आपका हीट ही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग पढ़ी है, तो उन सारे प्रोसीजर में या तो हीट प्रोड्यूस हुई है या प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है या फिर दोनों। लाइक अगर मैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करूं, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हीट, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, साथ में उसमें फोर्स भी लगाया जाता है। तो दैट मींस दोनों, हीट प्रेशर और बोथ। तो दैट मींस अगर हम वेल्ड को डिफाइन करें, तो वेल्ड एक जॉइंट, वेल्ड का मतलब क्या है कि अब मेंबर जॉइन हो चुके हैं। अ यूनियन बिटवीन मटेरियल्स, मतलब दो मटेरियल को आपने जॉइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ वेल्ड। अब देखो व्हाट डज जॉइंट मीन, अ कॉन्फिगरेशन ऑफ मेंबर्स। कॉन्फिगरेशन ऑफ मेंबर्स का मतलब क्या है, किस तरीके से आपने मेंबर्स को अरेंज करा है, किस तरीके से मेंबर्स को आपने अरेंज करा है। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल लूं, क्या आपने दो मेंबर्स ऐसे रखे हैं, क्या आपने दो मेंबर्स ऐसे रखे हैं, क्या दो मेंबर्स ऐसे रखे हैं, क्या दो मेंबर्स ऐसे रखे हैं। तो जॉइंट आपको यह बताता है, वैसे इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो जॉइंट के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, आजकल के बच्चे जॉइंट को ज्यादा ही अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। बट अपना यहाँ पर जॉइंट है स्टील वाला, ठीक है जी। तो अगर हम लोग बात करते हैं जॉइंट की, तो किस तरीके से आपने मेंबर्स को अरेंज कर रखा है, क्या इस तरीके से 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 कर रखा है। तो ये जॉइंट बताएगा कि आपने मेंबर्स को कैसे अरेंज कर रखा है और किसकी हेल्प से ज्वाइन करा है, भैया वेल्ड की हेल्प से ज्वाइन करा है, और कौन सी वेल्ड से ज्वाइन करा है। दैट मींस वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड, वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड। अगर आप एक बात बोलोगे, अभी मैं आपको बता देता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, और यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। अभी आप बोलोगे सर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड तो पढ़ा दिया ना, सर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड तो पढ़ा दिया। अभी आप ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड पढ़ी है, लाइक आर्क वेल्डिंग क्या होती है, फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है,
रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्या होती है, लेजर वेल्डिंग क्या होती है, वो सब कुछ पढ़ा दिया आपको मैंने। आज की तारीख में अगर मान लो मैं एक आपका छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लाइक आर्क वेल्डिंग में मैंने लेता हूं स्टिक वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में हमने ले लिया स्टिक वेल्डिंग। आप बस अपने बेसिक अंदर याद रखो कि अभी हम स्टिक वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, अभी हम स्टिक वेल्डिंग यूज कर रहे हैं। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड को तो यूज कर लिया, बट जब मैं मेंबर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करूंगा, जब मैं मेंबर्स को अलग अलग तरीके से, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे ये दो मेंबर्स, कुछ है नहीं मेरे पास, मान लो मैंने दो मेंबर्स इस तरीके से ज्वाइन करे, तो जो वेल्डिंग मैं इन दोनों के बीच में करूंगा वो इनके प्लेन में ही आएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कभी आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो जी इधर आ जाओ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ हर जगह हम लोग स्टिक वेल्डिंग यूज करते हैं। मान लो मैं इन दो केसेस की बात कर रहा हूं, इन दोनों में मैंने स्टिक वेल्डिंग ही यूज करी, इन दोनों में मैंने स्टिक वेल्डिंग ही यूज करी। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर, धीरे धीरे सब बताऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। ये फर्स्ट मेंबर और ये सेकंड मेंबर, देखो आप ध्यान से देखना, अगर मैं इन दो मेंबर्स की धीरे धीरे करके सब बताऊंगा, अभी शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये कौन सी एक्सिस है, आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, सर एक्स एक्सिस है। दैट मींस अगर मैंने दोनों मेंबर्स को एक ही प्लेन में रखा हुआ है, प्लेन मींस एक्स प्लेन या एक्स वाई प्लेन, मान लो ये एक्स वाई प्लेन था, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई और ये जेड, तो इसका भी ये जो प्लेन है, ये जो देखो ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से देखना, मान लो ऊपर वाला जो एरिया है वो एक्स और वाई है, ये वाला जो एरिया है वो भी एक्स और वाई है, और ये वाला जो एरिया ये भी एक्स वाई प्लेन में ही आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, मैं तो अभी स्टिक वेल्डिंग ही यूज कर रहा हूं। तो अगर मैं इन दो जॉइंट्स को, लाइक इन दो वेल्ड्स को डिफाइन करूं, मेरे पास ध्यान से सुननी पड़ेगी आपको, तभी भेजे के अंदर जाएगी। बहुत टिपिकल है आज का लेक्चर, इजी लेक्चर नहीं आज का। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्लेन, मेरा जो फर्स्ट मेंबर का प्लेन है, मेरा जो सेकंड मेंबर का प्लेन है, और जो मेरा वेल्ड है, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, और इसको मैं बोलता हूं बट वेल्डिंग। एग्जाम्पल देखना, यहां पर मैंने कौन सी वेल्डिंग यूज करी, स्टिक वेल्डिंग यूज करी, आर्क वेल्डिंग यूज करी, आर्क में स्टिक वेल्डिंग यूज करी। अब इधर आ जाओ, इधर भी आपने स्टिक वेल्डिंग यूज करी, इधर भी आपने स्टिक वेल्डिंग को यूज करा है, बट डिफरेंस क्या है, अब आप ध्यान से देखना। दिस इज देखो तीन डायमेंशन होते हैं, एक्स वाला वाई ले लो और जो डेप्थ है उसको जेड ले लो। अगर मैं बात करता हूं, अब देखो यहां पर जो वेल्डिंग थी, अगर इस मेंबर का जो ऊपर वाला एरिया वो हमने एक्स वाई माना, इधर भी एक्स वाई होगा, और जो वेल्डिंग थी वो भी सेम प्लेन में थी, तो इस टाइप के वेल्ड को मैं बोलता हूं बट वेल्ड। आपको भेजे में डालना पड़ेगा, बट जॉइंट एक अलग चीज है, बट वेल्ड एक अलग चीज है। अगर आप इन चीजों को डिफरेंसेस नहीं पढ़े तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपने इन चीजों में डिफरेंसेस नहीं पढ़े तो आपको समझ में नहीं आने वाली वेल्डिंग के बारे में। वहीं पर अगर मैं फिलेट वेल्ड का बात करता हूं, तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं इस जगह की बात करता हूं तो देखो ये रहा x, दिस इज y, ये भी मान लो x है, और ये जिसका जो दूसरी साइड है y, बट अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, यहां पर जो वेल्डिंग है वो एक्स वाई प्लेन में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने इस जगह भी स्टिक वेल्डिंग यूज करी, मैंने इस जगह भी स्टिक वेल्डिंग यूज करी, बट अगर मैं वेल्ड के एरिया की या वेल्ड के प्लेन की बात करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ वेल्ड वी डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिक वेल्डिंग। अगर मालूम है एक स्टिक वेल्डिंग की बात कर रहा हूं, तो स्टिक वेल्डिंग को भी मैं 10 तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, देखो आप बोलोगे सर आपने पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पढ़ाई, चलो ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पढ़ी, आर्क वेल्डिंग पढ़ी, आर्क में स्टिक वेल्डिंग पढ़ी, स्टिक के भी किस प्लेन में आप वेल्डिंग कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन वी डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिक वेल्डिंग। अब ये स्टिक के साथ नहीं है, ये सबके साथ है, मिग वेल्डिंग ले लो, टिक वेल्डिंग ले लो, फ्लक्स कोर ले लो, सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि वेल्डिंग का आपका प्लेन कौन सा है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं आप बोलोगे सर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग तो पढ़ा दी, मैं बोलूंगा हाँ मैंने पहले आपको आर्क वेल्डिंग पढ़ाई, आर्क के बाद मैंने आपको आर्क में स्टिक वेल्डिंग पढ़ाई, अब स्टिक के अंदर भी मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करनी है, एक बार में हीरो नहीं बन जाना है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा फिर एकदम से खतरनाक बता दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट पे वापस से। तो हमने देखा अगर हम दो मेंबर्स को जहां पर ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट, और किसकी हेल्प से करते हैं उसको बोलेंगे हम वेल्ड। तो वेल्ड में क्या है, हमें पता है कि हम मेंबर्स को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर चुके होते हैं बाय अप्लाइंग हीट और प्रेशर,
और वहीं पर अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट आपको क्या बताएगा, किस तरीके से आपने मेंबर्स को अरेंज करा है, किस तरीके से आपने मेंबर्स को अरेंज करा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेल। अगर मैं सबसे पहले आप देखो, अगर हम जनरली बात करें कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं, तो फर्स्ट होता है आपका बट ज्वाइंट। याद रखना अभी मैं आपको वेल्डिंग नहीं बता रहा हूं, याद रखना अभी मैं आपको वेल्डिंग नहीं बता रहा हूं, मेरा मेनली फोकस इस पर आ चुका है जॉइंट्स पर। आपको जॉइंट्स को अलग रखना पड़ेगा, वेल्डिंग को अलग रखना पड़ेगा, बाद में दोनों को मिक्स कर देना पड़ेगा। दैट मीन जब भी हम किसी मेंबर की वेल्डिंग करते हैं तो उसमें स्पेसिफाई होता है कि पहली बात तो जॉइंट कौन सा है और दूसरा उसमें वेल्डिंग कौन सी आपने करी है, और फिर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अगर आप देख सकते हो अभी मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा, आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट जो जॉइंट हमारे पास वो कौन सा है, बट जॉइंट। सेकंड जॉइंट हमारे पास कौन सा है, टी जॉइंट। थर्ड जॉइंट कौन सा हमारे पास, लैप जॉइंट। और फोर्थ कौन सा है, कॉर्नर जॉइंट, जिसमें एक ओपन होगा और एक क्लोज होगा। अभी सब बताऊंगा, सबसे पहले वी विल डिस्कस जॉइंट, उसके बाद वी विल डिस्कस वेल्ड, और उसके बाद एक एक वेल्ड को और खोलूंगा मैं। वेल्डिंग एक बहुत अच्छी यूनिट है, अगर आपको पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, वरना फिर फायदा नहीं है। फर्जी तो पूरी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, मुझसे पढ़ना है तो भैया आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो घुस के पढ़ाऊंगा पूरा, तभी मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है जी, तो पांच जॉइंट मेजर है। फर्स्ट है बट जॉइंट, टी जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, कॉर्नर में दो आते हैं, एक होता है क्लोज कॉर्नर और एक होता है ओपन कॉर्नर। आप क्या सोच रहे हो, बता दिया मैंने चीजें खोलने की आदत है मुझे, आ जाओ। सबसे पहला हमारा कौन सा है, कॉमन जॉइंट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट लिखो बट जॉइंट, क्योंकि भैया आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अगर आप बट जॉइंट को देख सकते हो, दैट मींस मैं जॉइंट की बात कर रहा हूं, जॉइंट मींस अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स, जॉइंट मींस अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स, किस तरीके से आपने मेंबर्स को अरेंज करा है। अगर आप यहां पर देख सकते हो, अगर मान लो ये मेंबर नंबर वन है और ये मेंबर नंबर टू है, याद रखना भेजे में वेल्ड नहीं डालना, अभी जॉइंट डालना है। जब जॉइंट भेजे के अंदर अच्छे से घुस जाएंगे फिर बताऊंगा वेल्ड कौन कौन से होते हैं। स्टिक वेल्डिंग को ही मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करूंगा, जरूरी नहीं है स्टिक हो, बहुत सारी वेल्डिंग होती है। ठीक है भाई, अगर आप इस बट जॉइंट में देख सकते हो, अगर आप बट जॉइंट में देख सकते हो तो ये दोनों सेम प्लेन में है। क्या है, सेम प्लेन में। देखो अगर हम बात करते हैं बट जॉइंट की, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है। हाँ, मैं इन दोनों मेंबर्स को इन देखो, ये एजेस देखो, मैं कैसे बताऊं, देखो कैलकुलेटर लेते हैं, ये मेंबर है, इस मेंबर की एक एज तो ये है, एक एज ये है, एक एज ये है, इसके अंदर चार एजेस है। एज मतलब क्या होता है, किनारा। एज मतलब क्या होता है, किनारा। तो इस में आपके दो जो मेंबर्स होंगे, हर एक मेंबर के चार एजेस होते हैं। देखना फर्स्ट एज सेकंड, पीछे को लिखा तो नहीं है, ठीक है, फर्स्ट पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा। अब सेम दूसरा मेंबर भी होगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, ये आपका दूसरा मेंबर है। ठीक है जी, ये आपका दूसरा मेंबर है, इसके भी फर्स्ट सेकंड टी चार चार किनारे हैं। जब हम मेंबर्स को उनके किनारे से जोड़ते हैं, जिसके बीच में एंगल 135 से 180 डिग्री एंगल हो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, देखो आप, अ कनेक्शन बिटवीन द एंड्स और एजेस, एंड्स और एजेस ऑफ टू पार्ट्स मेकिंग एन एंगल टू वन अदर 135 से 180 इन द रीजन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से देखना तभी मजा आएगा। देखो जी, ये आपने दो मेंबर्स को ज्वाइन कर दिया है, ये इसकी एज है, ये इसकी एज है। जब हम इन दोनों दोनों एजेस को ज्वाइन करते हैं, अब ध्यान से देखना और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 135 से 180 डिग्री हो, किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है, सारी किताबें खोल लोगे ना कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, बता रहा हूं भाई। क्योंकि क्या होता है, देखो अगर मैं आपसे एग्जांपल, मेरी बात बहुत ध्यान से बात करना, अगर मान लो मैं इन दोनों एजेस को मिला देता हूं, यहां पर मैंने इन दोनों एजेस को मिला दिया, क्या इनके बीच में 135 से लेके, देखो ये दोनों एजेस मिल गई, ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, ये कितना एंगल है 90 डिग्री। मेरी बात भाई साहब आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ये एज थी, ये भी एज थी, हमने इन दोनों एजेस को ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, इनके बीच में अभी एंगल कितना दिख रहा है सर, 30 डिग्री दिख रहा है, अभी 45 डिग्री, अभी कितना दिख रहा है 90 डिग्री, अभी 120 डिग्री, अभी सर 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है,
हम किसी भी ज्वाइंट को बट ज्वाइंट तब बोलेंगे जब मैं उन दोनों मेंबर्स की एज को ज्वाइन कर दूं और उनके बीच में जो एंगल होगा वो 135 डिग्री से 180 डिग्री होगा, वरना हम उस ज्वाइंट को बट ज्वाइंट नहीं बोलेंगे, वरना हम उस ज्वाइंट को बट ज्वाइंट नहीं बोलेंगे। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। अब तो सबसे पहली बात, जब हमने मेंबर्स को एजेस से रखा, जब हमने मेंबर्स को एजेस से रखा, और देखो अभी अगर मैं इन दो मेंबर्स की एज की बात कर रहा हूं, है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों मेंबर के बीच में एंगल कितना है? अगर 135 से ज्यादा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 135 से ज्यादा है और 180 तक है, तो इनको हमने क्या बोला? बट जॉइंट। मान लो ये 90 डिग्री का एंगल होता, अब इसकी जो एज है और इस मेंबर के बीच में आपको कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है? सर आप बोलोगे 90 डिग्री। अगर मैं बात आपको ध्यान से बताऊं तो यहां पर आपको इन दोनों के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? सर आप बोलोगे 90 डिग्री दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं टी जॉइंट। अगला जो मेरा जॉइंट है वो कौन सा होता है? टी जॉइंट। दैट मींस यहां पर भी मेंबर्स की एजेस कॉन्टेक्ट में है, यहां पर भी मेंबर, देखो ये इतना डीपली कहीं नहीं लिखा हुआ, बहुत फर्जी पढ़ाते हैं स्टील, मैं इसकी बुराई करता हूँ क्योंकि लिटरली फर्जी पढ़ाते हैं, मुझे गुजरू से पढ़ाने की आदत है। अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो मेंबर से इन दोनों के बीच में आपको एंगल क्या दिख रहा है? सर 90 डिग्री दिख रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम मेंबर्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, अगर हम मेंबर्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं कि अगर आपको वहां पर एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री, तो नो डाउट अब जो आपने मेंबर्स को अरेंज करा है और जो इनके बीच में ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को क्या बोला जाएगा? टी ज्वाइंट। सबसे बड़ा वो लोगों को कंफ्यूजन पता है क्या होता है? सब सोचते हैं कि जब मान लो ये मेंबर और इस मेंबर में 90 डिग्री का एंगल बना, देखो ध्यान रखना पहले हम पढ़ रहे हैं जॉइंट, फिर हम पढ़ेंगे आपका वेल्डिंग, और फिर इन दोनों को मैं कर दूंगा जॉइंट। अगर यहां पर हम दोनों के बीच में देखें तो यहां पर दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। तो क्या अगर बट जॉइंट ओनली 180 होता है? अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं तो नहीं सर, 135 से 80 डिग्री होता है। कहने का मतलब है अगर ये दोनों मेंबर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, और इनके बीच में अगर 135 डिग्री भी एंगल होता ना, तो अभी मैं इसको बट जॉइंट ही बोलता। अब टी जॉइंट में क्या है? जब दो मेंबर्स की एजेस के बीच में 90 नहीं, 5 डिग्री से 90 डिग्री, अगर आप दो मेंबर्स को ज्वाइन कर रहे हो और उनके बीच में एंगल 5 डिग्री से 90 डिग्री है, तो उसको टी जॉइंट। दैट मींस कहने का मतलब यह है अभी इनके बीच में एंगल कितना है? 90। अभी इनके बीच में एंगल कितना है? सर 45। अभी इनके बीच में एंगल कितना है? आप देख रहे हो, देखो अभी की केस में देखो अभी एंगल कितना दिख रहा है? सर 90 है। ये कौन सा जॉइंट है? सर टी जॉइंट है। अभी कितना है? 70। अभी कितना है? 45। दैट मींस 5 से 90 डिग्री पर अगर एंगल होगा तो उसको बोला जाता है टी जॉइंट। बच्चों ने शिकायत करी कि सर आप लिखने का टाइम नहीं दे रहे हो, सर आप लिखने का टाइम नहीं दे रहे हो, जब से आप स्लाइड्स यूज करने लगे हो सर लिखने का टाइम नहीं मिलता। भैया मैं हट जाऊंगा आपके सामने से, क्योंकि एक एक चीज आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपको जो लिखना है वो लिखना है डिफरेंस बिटवीन अ वेल्ड एंड अ जॉइंट। डिफरेंस मैं लिख देता हूं इसको, सबसे पहले जो आपको लाइन डालनी है वो डालनी है डिफरेंस, आपका नोट्स यहां से चालू होता है, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड वेल्ड, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड वेल्ड। सबसे पहले लिखो इसको, सबसे पहले लिखो, लिखने का पूरा पूरा टाइम दूंगा मैं, क्योंकि आजकल लिखने का टाइम नहीं दे रहा मैं, हड़बड़ी रहती है ना पढ़ाने की, तो लिखने का टाइम नहीं दे रहा मैं आजकल। नेक्स्ट आ गया, चलो इस ये बात अभी ये मत लिखना, हाँ ये लिख सकते हो आप, सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, फिर हम इसको एक एक करके डिस्कस करें। आप सबसे सेकंड पेज पे जो आपका आएगा वो आएगा आपका टाइप ऑफ जॉइंट। अभी आप वेल्डिंग मत लिखना, लिखो इसको, पहले आपने वेल्ड और जॉइंट का डिफरेंस लिख लिया, उसके बाद आएगा आपका टाइप ऑफ जॉइंट्स, बस लिख लो, बनाना नहीं है इसको, मत बनाओ अभी, अभी इसको मत बनाना, बस आप लिख लो कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। बट जॉइंट होता है, टी जॉइंट होता है, लव जॉइंट होता है, कॉर्नर जॉइंट होता है, अभी बनाना नहीं है। अब तीसरा पेज क्या लिखना है आपको, हट जाओ, तीसरे पेज में यहां से लिखना चालू करो और ये सारे जो फिगर्स हैं वो बनाओ। लिखो बट जॉइंट का है जब एजेस हम मेंबर्स की इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि उनके बीच में आपका 135 से लेके 180 तक का एंगल बनेगा, उस कनेक्शन को या उस जॉइंट को हम बोलेंगे बट जॉइंट। और अगर हम मेंबर्स को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, बिकॉज जॉइंट डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स, अगर हम मेंबर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है वो 5 डिग्री से तो ज्यादा हो और 90 डिग्री तक हो,
तो इस टाइप के कनेक्शन को हम बोलेंगे टी जॉइंट। दोनों के फोटोग्राफ बनाओ, फोटोग्राफ मतलब डायग्राम बनाओ और दोनों के बारे में लिखो, पूरा लिख लो उसको अच्छी तरीके से। इनके बीच में अगर आपने डिफरेंस याद नहीं रखा तो आपको वेल्डिंग टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से यूज कर लिए हैं, एक हमने यूज कर लिया है आपका जॉइंट, कौन कौन से जॉइंट कर लिया, एक हमने कर लिया बट और दूसरा हमने कर लिया आपका टी जॉइंट, ये दो जॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड के बाद आता है अब मेरा एज जॉइंट। क्या आता है मेरा एज जॉइंट, देखो जी इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बट जॉइंट हमने कब बोला, जब 135 से लेके 180 हमारा एंगल है और जो हमारी लंबी वाली एजेस थी इनके बीच में, अगर आप बोलोगे जो देखो अगर हम इस जगह बात करें तो यहां पर हमारी जो लॉन्गर एज है हमने उसके बीच में एंगल लिया। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो हमने देखो हमने दोनों मेंबर्स की जो लंबी वाली एज है उसके बीच में एंगल लिया। तो यहां पर याद रखना कि ये जो एंगल होगा इन दोनों की जो लंबी वाली एज है दोनों मेंबर्स की उनके बीच का एंगल है। अगर हम टी जॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर एक तो लॉन्गर एज है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा शॉर्टर एज है, शॉर्टर एज, ध्यान से देखना मेरी बात। यहां पर हमने जो एंगल लिया वो दोनों के लॉन्गर एज में लिया, यहां पर और ये वाला लॉन्गर एज, ये भी लॉन्गर एज है और ये भी इसका लॉन्गर एज है, बड़ी वाली जो एज है। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये आपका एक मेंबर है ये भी एज है और ये भी एज है, बट ये शॉर्टर एज है ये बड़ी लॉन्गर एज है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करता हूं तो हमने टी जॉइंट में जो एंगल लिया वो किस किस के बीच में लिया, एक मेंबर की लॉन्गर एज के बीच में और दूसरे के बीच में शॉर्टर। अब आ जाओ आपका तीसरा जो हमारा जॉइंट है वो है आपका एज जॉइंट। अगर हम एज जॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर भी अब जो हम एंगल लेंगे आपको ये एंगल सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात आप मुझे बताओ कि दोनों मेंबर्स की जो मैंने एज ली है, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा दोनों मेंबर्स की जो मैंने एज ली है वो कौन सी ली है, शॉर्टर या लॉन्गर। आप बोलोगे सर आपने दोनों केस में लॉन्गर एज ली है, इसमें भी हमने लॉन्गर एज ली है और इसमें भी हमने लॉन्गर एज ली है। अगर इनके बीच का एंगल 0 से 30 डिग्री होता है, अगर इनके बीच में एंगल 0 से 30 डिग्री में होता है तो इस टाइप का जॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एज जॉइंट। अगर हम इस बात करते हैं एज की, आपको ये ना बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये मैं जब अपने कॉलेज में था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पता क्यों नहीं आता, मेरे जैसे टीचर नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं थोड़ा मस्ती भी करता हूँ पढ़ाता भी, मुझे बस पढ़ाने वाला टीचर मिला जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, पढ़ाने वाला टीचर को कोई नहीं देखता, जो मस्ती भी करता है ना वही देखते, ठीक है। बट मैं ओनली मस्ती नहीं करता, ओनली मस्ती भी बेकार है, ओनली पढ़ाई भी बेकार है, थोड़ा थोड़ा दोनों को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखोगे हमने एज जॉइंट किसको बोला, ध्यान से देखना भैया, अ कनेक्शन बिटवीन द एजेस ऑफ टू पार्ट्स, दोनों में कौन सी एज ली मैंने, लॉन्गर एज, और इनके बीच का एंगल अगर 0 से 30 डिग्री होता है, अगर हम यहां पर बात करते तो यहां पर ही हमने लॉन्गर एज ली थी बट यहां पर एंगल 135 से 180 डिग्री होता है, अगर इस टाइप का कनेक्शन है तो हमने इसको बोल दिया बट जॉइंट। और अगर आप एज जॉइंट की देखो यहां पर एंगल 135 से 180 था बट अगर 0 से लेकर 30 डिग्री है तो यहां पर हम इस जॉइंट को क्या बोलेंगे, एज जॉइंट, लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जॉइंट आएगा वो आएगा क्रूशी फॉर्म जॉइंट। क्रूशी फॉर्म जॉइंट में कुछ भी नहीं, क्रॉस बना दिया। अगर आप देखोगे तो देखो ध्यान से, ये आपका लॉन्गर और ये भी लॉन्गर। अगर आप टी जॉइंट की बात करते हो, अगर आप टी जॉइंट की बात करते हो तो टी जॉइंट में मेंबर टर्मिनेट हो रहा है। आप बोलोगे सर ये तो टी जॉइंट जैसा लग रहा है, टी जॉइंट में मेंबर देखो मेंबर यहां तक तो नहीं आ रहा। अगर हम क्रूशी फॉर्म जॉइंट की बात करते हैं तो इसमें दोनों मेंबर एक दूसरे को सेंटर पे क्रॉस करते हैं और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं क्रूशी फॉर्म। क्या है मतलब, देखो अगर हम टी जॉइंट की बात करते हैं तो टी जॉइंट कुछ इस तरीके से था, मेंबर बस यहीं पर टर्मिनेट हो रहा है, मेंबर इसके नीचे नहीं आ रहा, बट अगर मेंबर ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है इस तरीके से तो ये क्या बनता है आपका क्रूशी फॉर्म जॉइंट, और इसके बीच में जो आपका एंगल होगा 90 डिग्री होगा। देखो अ कनेक्शन इन विच टू फ्लैट प्लेट्स और टू बार्स आर वेल्डेड टू अनदर फ्लैट एट अ राइट एंगल एंड ऑन द सेम एक्सिस, दैट मींस आगे पीछे क्रॉस अगर कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं क्रूशी फॉर्म जॉइंट। किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि किताबों में वेल्डिंग के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। क्यों कम लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, बट लिखना चाहिए। मैं बोलता हूँ IAS बुक्स में भी लिखा हुआ नहीं है, अरे IAS जो ऑफिसर्स हैं
उनको जिन्होंने बुक्स लिखी उनको भी पता है कि जब आप साइट पर गए होंगे तो आपको वेल्डिंग काम में आई होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज होती है, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग को डिस्क्राइब करो ना, बुक्स में क्यों डिस्क्राइब नहीं कर रखा, ये तो कमी है आपकी, आपको करना है आपको एक्सप्लेन क्यों करोगे भैया। देखो आईएएस होंगे वो भी साइट पे, हम भी साइट पे हैं, तो हमें पता है वेल्डिंग काम आती है, इलेक्ट्रोड्स काम आती हैं, कौन सी वेल्डिंग कर रहे हो काम आती है, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, कल को आप मान लो ऐसी कंपनी में चल गए, लाइक नासा में चल गए, तो वहां पर भी तुम पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए वेल्डिंग करते हैं, तो वहां पे पता होना चाहिए ना कौन सी वेल्डिंग आप यूज करोगे, है ना। नासा में जो हमारा एयरक्राफ्ट होते हैं एयर उसमें भी तो वेल्डिंग्स होती हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सी वेल्डिंग आप यूज करोगे। नेक्स्ट लिख लो, करूंगा बोलोगे तो लिखने का टाइम लीजिए आप, इसको लिख लो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बिना मजा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हमारे दूसरा लैप जॉइंट। अब जो हमारा जॉइंट है वो कौन सा है, लैप जॉइंट, और दूसरा है कॉर्नर, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे। अब अगर हम लैप जॉइंट की बात करें, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, देखो ध्यान से, अगर मैं एज जॉइंट की बात करता हूं, अगर मैं एज जॉइंट की बात करता हूं, तो भैया यहां पर एंगल कितना था, 0 से लेके 30, आपको एंगल्स ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स वी कैन डिफाइन जॉइंट। आपने अगर एंगल ही ध्यान नहीं दिए, अगर आपने एंगल ही ध्यान नहीं दिए, तो फिर आपके इसमें नॉलेज नहीं बढ़ा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम एज जॉइंट की बात करते हैं तो इनके बीच में क्या था, 0 से लेके 30। अब आता है हमारा अगला लैप जॉइंट। सबसे पहली बात देखो यहां पर भी क्या है, दोनों अगर मैं बात करूं लॉन्गर एज, लॉन्गर एज और इसकी भी लॉन्गर एज, दोनों की लॉन्गर एज है, बट इस टाइप के जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लैप जॉइंट। कब बोलेंगे लैप जॉइंट, जब इनके बीच में एंगल 0 से 5 डिग्री होगा। अगर हम एज जॉइंट की बात करते हैं तो देखो, अगर आप दो चीजें देख रहे हो, अगर इस एज जॉइंट में देखो तो यहां पर दोनों मेंबर्स ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब क्या है, ये और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, टोटल ओवरलैप कर रहा है। अगर आप एज जॉइंट में देखोगे तो दोनों मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर 100% ओवरलैप कर रहे हैं, और दूसरा इनके ऊपर एंगल कितना है, 0 से 30 डिग्री। आपको ध्यान सुननी पड़ेगी मेरी बात, अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी तो भैया टॉपिक आपके हवा पर निकल जाएगा। अब जो मेरा अगला है वो है मेरा लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या होता है, लॉन्गर एज के कॉन्टेक्ट में आती है, बट ये 100% ओवरलैप नहीं करती। इस मेंबर का कुछ एरिया प्रोजेक्टेड रहेगा इस एरिया का। देखो अगर आप एज की बात करते हो तो एज में दोनों मेंबर्स ओवरलैप कर रहे हैं 100%, वो भी 5 सेंटीमीटर का ही 5 सेंटीमीटर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। अगर हमने अगर मान लो यहां पर भी ये प्रोजेक्टेड नहीं है, यहां पर भी प्रोजेक्टेड नहीं है, और एंगल इनके बीच में 0 से लेकर 30 डिग्री है, तो हम इसको एज जॉइंट बोलेंगे। अगर दो मेंबर्स ऐसे हैं कि लॉन्गर एज कॉन्टेक्ट में आ रही है और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक ही है, प्लस ये 100% ओवरलैप ना कर रहे हो, ये मेंबर भी थोड़ा प्रोजेक्टेड है और ये मेंबर भी थोड़ा प्रोजेक्टेड, तो इस टाइप के जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लैप जॉइंट। ध्यान से सुन लो क्योंकि आगे मैं आपको चीजें बताऊंगा, अगर आपने चीजें ध्यान से नहीं सुनी तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एज जॉइंट और लैप जॉइंट थोड़ा सिमिलर सा लगता है, बट डिफरेंस ये है कि यहां पर 100% लेंथ ओवरलैप नहीं करती, प्लस जो इनके बीच का एंगल होगा वो 0 से लेकर 5 डिग्री होता है, और अगर हम एज जॉइंट की बात करें तो हमारा एज जॉइंट में 0 से 30 डिग्री होता है, प्लस यहां पर 100% ओवरलैपिंग होती है। और याद रखना भाई साहब, मैं अभी आपको ओनली जॉइंट पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा वेल्ड के बारे में पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, दैट मीन्स मैं जॉइंट भी लूंगा और लैप भी लूंगा। ठीक है भाई, अब अगर हम आगे की बात डिस्कस करें, तो हमारा भाई देखो, हमने बट पढ़ लिया, हमने टी जॉइंट पढ़ लिया, हमने एज जॉइंट पढ़ लिया, हमने क्रूशीफॉर्म जॉइंट पढ़ लिया, अब हमने लैप पढ़ा, और अब हम करेंगे कॉर्नर। अगर आप ध्यान से देखो कॉर्नर की, अगर मैं आपसे बात इधर देखो, कॉर्नर दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड कॉर्नर, अगर आप देख सकते हो तो यहां पर इन्होंने पूरा देखो, ये जो एंगल है वो दोनों क्लोज है, देखो ये पूरा क्लोज हो चुका है और यहां से पूरा क्लोज हो चुका है, इस टाइप का कॉर्नर हम बोलते हैं क्लोज कॉर्नर। अगर आप देखोगे तो ये देखो यहां पर ये पूरा क्लोज नहीं हुआ है, इस टाइप दैट मींस यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम जो वेल्ड करेंगे वो करेंगे इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं क्लोज्ड कॉर्नर, है ना। अगर आप देखोगे या फिर इस तरीके समझना, आप इस तरीके समझो, यहां पर हमने कुछ इस देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, देखो दिस इज क्लोज्ड कॉर्नर, और अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से करूं तो ये देखो यहां पर बिल्कुल क्लोज हो गए दोनों के दोनों, और अगर मैं यहां पर इस तरीके से करूं तो देखो यार पोर्शन बचा हुआ है, तो क्या होता है,
अगला जो आपका ज्वाइंट है वो है आपका क्लोज कॉर्नर ज्वाइंट। और कॉर्नर ज्वाइंट दो टाइप के होते हैं, क्योंकि उस वाली जगह लिखा हुआ नहीं इसलिए मैं आपको यहाँ लिखा है। देखो इस जगह ये पूरा क्लोज है, दिस इज क्लोज कॉर्नर, और यहाँ पर क्या है इस तरीके से है, दिस इज ओपन कॉर्नर। तो क्लोज कॉर्नर है, ओपन कॉर्नर है। अब वेल्डिंग इसमें अलग अलग टाइप की आएगी कि वेल्डिंग आपको यहां करनी है या यहां करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको यहाँ रखना है अगला क्या है क्लोज कॉर्नर। अगर क्लोज कॉर्नर की हम लोग बात करें ठीक है, या तो आप लेफ्ट साइड अभी आप लिखे ना, अगर आप देख सकते हो तो यहां पर जो उन्होंने डायग्राम देकर रखा हुआ है वो आपका ओपन कॉर्नर का है। दिस इज ओपन कॉर्नर, ओपन कॉर्नर। सिंपल सा पढ़ा तो मैं भी पढ़ा दूसरे भी, बट मैं थोड़ा घुस के पढ़ाऊंगा तो आपको टाइम लगेगा। लोग बोलते हैं सर आपके लेक्चर पढ़ने के टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे पक्का इंजीनियर बनाना है ना यार। इतना आपके बीटेक कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया कुछ जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाषा मैं क्योंकि मैं साइट वाला आदमी हूँ, मैं साइट पर काम करता हूँ, मुझे पता है कि आपको ये नॉलेज काम। कौन बेवकूफ ये बोलता है कि आप जो पढ़ते हो वो साइट पर काम नहीं आता? कौन बेवकूफ बोलता है ऐसा कि जो आप किताबों में पढ़ते हो वो साइट पर भैया सब कुछ काम आता है? वो लोग बोलते हैं जो सिविल का होके सीएस कंपनी या आईटी कंपनी में काम करते हैं, वो ये बोलते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो और आप बिल्कुल कोर कंपनी में लगे, मान लो आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लग गए, सारी नॉलेज काम में आने वाली है। मान लो आप इंडियन रेलवेज में लग गए, सारी नॉलेज काम में आने वाली है। मान लो आप क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी में लग गए, अरे भैया सारी नॉलेज काम आती है। किसने बोला? कौन है वो बेवकूफ जो बोलता है कि जो हम डिग्री में पढ़ते हैं वो काम नहीं आता, वो बेवकूफ है, सब कुछ काम में आता है। अरे यार तुम सिविल करके अगर एक आईटी कंपनी में जॉब करोगे तो फिर कहां से काम आएगा? सिविल करके सिविल कंपनी में जॉब करो और मैं कहता हूं सब कुछ काम आता है। सिंपल सी बात है ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉर्नर है वो क्या आपका ओपन कॉर्नर, उसी तरीके से मैं आपका क्लोज कॉर्नर भी बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बना हुआ नहीं है। अगर आप देख सकते हो, अगर आप देखते हो इस जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लॉन्गर साइड है, longer side, और ये है आपकी shorter side। अगर हम देखें तो हमने पढ़ा लास्ट वाला जो हमारा ये कौन सा था आपका थर्ड फोर्थ, इधर डालो फिफ्थ, ये डालो फिफ्थ और ये डालो सिक्स्थ। तो छह टाइप के जॉइंट मैंने आपको पढ़ा है। अब अगर आप कॉर्नर जॉइंट में साफ साफ देख सकते हो, सबसे पहले बीच में आपको एंगल किस इसमें दिख रहा है? आप बोलोगे सर एक तो हमें longer side में दिख रहा है और दूसरा हमारा शॉर्टर साइड में। अब देखो अगर इनके बीच का एंगल ये जो थीटा है, अगर ये थीटा 30 डिग्री से लेके 135 डिग्री तक है, अगर ये आप देखना, अगर मान लो 135 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये बट जॉइंट बन जाएगा। अगर ये 135 डिग्री के बीच में हो जाएगा तो ये बट जॉइंट बन जाएगा। देखो इस टाइप को ध्यान रखना है, 30 से लेके अगर दो मेंबर्स के बीच का जो एंगल हो 30 से लेके 135 डिग्री तक है तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉर्नर जॉइंट। और वहीं पर अगर ये 135 से ज्यादा निकल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे बट जॉइंट। और अगर इनके बीच आप समझ में नहीं पा रहा आपको बहुत ज्यादा ध्यान से ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी वरना आपको सब में कंफ्यूजन आएगा। तो आप सारी की हर चीजें एक बार आप लिख लो, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा रिवाइज कर लो कौन कौन सा सर आपने जॉइंट बताया, उसके बाद ही आपको आगे की बात पता लगेगी। देखो जी बट जॉइंट बता दिया, टी जॉइंट बता दिया, एज जॉइंट बता दिया, क्रूशीफॉर्म जॉइंट बता दिया, किताबों में लिखा हुआ क्रूशीफॉर्म नहीं होता है, उसके बाद आपका लेफ्ट जॉइंट बता दिया, कॉर्नर जॉइंट बता दिया। कॉर्नर पे दो हैं, एक है ओपन कॉर्नर, दूसरा है क्लोज कॉर्नर, क्लोज्ड कॉर्नर। और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री से ज्यादा। देखो अ कनेक्शन बिटवीन द एंड्स और एजेस ऑफ टू पार्ट्स मेकिंग एन एंगल टू वन अदर ऑफ मोर देन 30 बट लेस देन 135, क्योंकि जैसे 135 से ज्यादा हो गया ये बट जॉइंट बन जाएगा आपका। जैसे ही इनके बीच का एंगल 135 से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा बट जॉइंट्स बन जाएगा। तो यहां पर मैंने अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पर आऊंगा, और वेल्डिंग में अभी मैं आपको डीपली नहीं पढ़ा रहा क्योंकि जितने भी वेल्डिंग है वो मैं आपको घुस घुस के पढ़ाऊंगा, बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर हम लोग बात करते हैं वेल्डिंग की तो इन हर एक को देखो, अगर हम बात करते हैं वेल्डिंग की तो क्या होती है बट वेल्ड होती है, फिलेट वेल्ड होती है, स्पॉट सीम वेल्डिंग होती है, प्लग वेल्डिंग होती है और एज वेल्डिंग होती है। इन सारी वेल्डिंग्स को मैं घुस घुस के एक करके पढ़ाऊंगा, इन सारी वेल्डिंग्स को हम लोग घुस घुस के पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, बहुत जबरदस्त डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। बट आज के लेक्चर में मैं घुस के नहीं पढ़ाऊंगा, आज के लेक्चर में आपको दूसरा बताऊंगा। देखो सबसे पहले अगर हम बट वेल्ड की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बट वेल्ड की बात करते हैं
ये दोनों तो आपकी देखो ध्यान से स्टिक वेल्डिंग हो जाती है, स्टिक वेल्डिंग, यहां बोलेंगे आर्क वेल्डिंग। अगर हम इन दोनों वेल्डिंग की बात करें तो ये दोनों स्टिक वेल्डिंग से हो जाती है, ये वाली भी आपकी स्टिक वेल्डिंग हो जाती है, ध्यान से देखना, ये वाली भी आपकी स्टिक वेल्डिंग से हो जाती है, बट ये वाली जो वेल्डिंग है स्पॉट और सीम वेल्डिंग, ये होती है आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग से, रेजिस्टेंस वेल्डिंग से। अभी मैं आपको सब बताता हूं, टेंशन ना लो, शॉर्ट में बताऊंगा, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप बट वेल्ड को बोलो तो इसको ग्रूव वेल्डिंग ही बोलते हैं, ग्रूव, जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रूव का मतलब क्या होता है, एक पतली सी लाइन, एक ऐसी लाइन जो लंबी है, पतली है और जिसकी डेप्थ थोड़ी बहुत है। ग्रूव का मतलब क्या होता है, जैसे ये अब इसके बीच में क्या है, जगह है, तो इसके बीच में जो जगह है ना, ये जगह, इसको हम बोलते हैं ग्रूव, क्या बोलते हैं, ग्रूव। अभी ग्रूव भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जो कि मैं आपको जब बट वेल्ड में घुसूंगा तब मैं बट वेल्ड में आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी आज के लेक्चर में मैं बट वेल्ड में घुस नहीं रहा हूं, क्योंकि घुसूंगा तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बट वेल्ड की बात करूं तो आप देख सकते हो कि भैया जो जो वेल्ड अलोंग द प्लेन ऑफ मेंबर्स होती है, लाइक दिस इज एक्स वाई, सॉरी इसको, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी आपका एक्स वाई में ही है, तो इस टाइप की, दैट मींस अलोंग द प्लेन ऑफ मेंबर्स होती हैं, उस टाइप की वेल्डिंग को हम बोलते हैं बट वेल्डिंग। और अलोंग द मेंबर्स है, अलोंग द मेंबर्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं बट वेल्डिंग। नेक्स्ट फिनेट अगर आप देखोगे, अब ध्यान से देखना, ये देखो ये ट्राइंगुलर शेप की होती है, ये अलोंग द प्लेन नहीं होती है, ट्राइंगुलर शेप की होती है, मतलब इसमें अगर मैं इस जगह की बात करूं, आप समझ रहे हो इस जगह की, तो ये देखो अलोंग द सेम प्लेन है, अगर हम बात करें तो दिखा देता हूं आपको, देखो हमारे पास सब कुछ है, डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है, ये लो देखो, देखो एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, दैट मीन सेम अलोंग द प्लेन है, इस टाइप की वेल्डिंग हम बोलते हैं, दैट मीन जो प्लेन मेंबर्स का है उसी प्लेन में ये वेल्डिंग होती है, इस टाइप की वेल्डिंग हम क्या बोलते हैं बट वेल्ड। अभी मैं इसमें भी बहुत घुसूंगा, अभी मैं आपको जैसे लाइक यहां पर लिखा हुआ है एच ए जेड, हीट अफेक्टिंग जोन, एच ए जेड, सब बहुत फ्यूजन लाइन रूट, अभी हम घुसेंगे, पर आप देख सकते हो कि भाई क्या हो रहा है यहां पर, कि भाई एक ही प्लेन में वेल्डिंग है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, बट वेल्ड बोल दिया। अभी टेंशन ना लो, बट वेल्ड भी 100 टाइप के होते हैं, बहुत घुस घुस के बड़ा पड़ा है, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट वेल्ड, सिंगल स्क्वायर रूफ, सिंगल बेवल रूट, ये डिफरेंट टाइप्स, एक एक पढ़ाऊंगा आपको। That means, सबसे पहले हमने थोड़ा बट वेल्ड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आज दी, और इसमें मैं आपको पूरा पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट वेल्ड भी कौन सी होती है वो भी हम पूरा पूरा पढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं बस फोटोग्राफ में एक एक चीज समझाऊं आपको, लाइक सबसे पहले मैंने कौन सी ली, ग्रूव वेल्ड छोड़ो, सबसे पहले हमने कौन सा लिया, अरे ये छोड़ो, सबसे पहले सिंगल स्क्वायर ग्रूव, बट वेल्ड में, बट पहली बार तो बट वेल्ड का होती है, वो भी मैं आपको आगे ढंग से सिखाऊंगा, अभी बस हल्का सा नॉलेज दे दिया, सिंगल बेवल ग्रूव, डबल बेवल ग्रूव, बट वेल्डिंग में जितने टाइप होती है वो सब हम ढंग से डिस्कस करेंगे, तभी तो मुझे टाइम लगता है, अगर एक ही चीज एग्जांपल, एक ही चीज समझाऊंगा तो भैया टाइम तो लगेगा, ऐसे तो होने के लिए लगेगा, ठीक है इधर आ जाओ आप, छोड़ो उधर छोड़ो, कहाँ आ गया टाइम, ठीक है अभी हल्की से नॉलेज लेके चलो, बाकी मैं आपको बताऊँ, तो बट वेल्ड क्या अलोंग द सेम प्लेन होती है, जिस प्लेन जो मेंबर्स का प्लेन होता है उसी में बेल्ड, फिर से बैक बात करें तो ट्राइंगुलर शेप की होती है, बोलोगे कॉनकेव होती है, कॉनकेव कॉनवेक्स दोनों टाइप की है होती है। अब आता है देखो फिलेट वेल्ड क्या है, जो भी मेंबर्स होते हैं बीच में ट्राइंगुलर, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए इसको मिटा देते हैं, फिलेट वेल्ड की बात, अभी फिलेट वेल्ड किसके बीच में आता है, जनरली फिलेट वेल्ड टी जॉइंट के बीच में आता है, अगर हम बात करें फिलेट वेल्ड की, अगर हम बात करें कि ये कौन सी वेल्ड है अलोंग द प्लेन ऑफ मेंबर्स, ये है बट वेल्ड, और ये जनरली बट जॉइंट में आती है, बट वेल्ड बट जॉइंट में आती है, वहां पर हम फिलेट वेल्ड की बात करें तो आप देखोगे ट्रायंगुलर सा पोर्शन है, ये है आपका फिलेट वेल्ड, और ये जनरली टी जॉइंट के बीच में आती है, टी जॉइंट के बीच में जो वेल्डिंग यूज होती है उसका हमने बोल दिया फिलेट वेल्ड। अब इधर आ जाओ, व्हाट इज स्पॉट, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, स्पॉट सीम वेल्डिंग होती है, दिस इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, याद करो मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ाया था, क्योंकि जब आप लोग
रेजिस्टेंस वेल्डिंग, उसमें क्या होता था, मैंने अपने सबसे पहले लेक्चर में भी आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग बताई, जिसमें क्या होता है फोर्स भी लगाया जाता है, लाइक दो मेंबर्स ऐसे हैं तो इनमें इलेक्ट्रोड की हेल्प से फोर्स भी लगाया जाता है, और इलेक्ट्रोड की हेल्प से, दैट मींस अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इन इलेक्ट्रोड की हेल्प से प्रेशर भी लगता है, प्लस इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से आपका हीट भी प्रोवाइड होती है, और इन दोनों के जो बीच में जॉइंट बोथ बन जाता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग दो टाइप की थी, एक उसमें इलेक्ट्रोड दब रहा था और गोल गोल से टायर होते हैं, पता ही नहीं होगा लोगों को जो पढ़ाई नहीं हमने। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में दो टाइप की होती है, जिसमें एक तो हम फोर्स लगाते हैं और दूसरा गोल गोल से इलेक्ट्रोड के टायर होते हैं, जो टायर रोटेट होते रहते हैं और रोटेट के बीच में मेंबर्स आपके दबते थे, लाइक ये दो टायर्स हैं, ये रोटेट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो हीट भी प्रोवाइड करती है और इनकी हेल्प से हम फोर्स प्रोवाइड करते हैं। मान लो दो टायर है, इसके बीच में अगर मैं मेंबर फंसा दूंगा तो मेंबर बिल्कुल इस तरीके से जाएगा, इसको हम बोलते हैं आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। तो स्पॉट और सीलिंग वेल्डिंग किससे होती है, जो आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रोड की हेल्प से फोर्स भी लगाते हैं, फोर्स के साथ साथ हम लोग इसमें हीट भी प्रोवाइड करते हैं, और इनके बीच में जो ज्वाइंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट और सीम। स्पॉट में क्या हो गया, जब ओनली एक जगह फोर्स लग रहा है, सीम का मतलब क्या हो गया, जब दो दो टायर्स रोटेट हो रहे हैं, लाइक मैं कैसे बताऊं, दो टायर्स रोटेट हो रहे हैं और उनके बीच में आपका मेंबर जो है उसके बीच में आपकी वेल्डिंग हो रही है, ठीक है। प्लग क्या होता है, अगर हम बात करते हैं प्लग वेल्ड की, तो प्लग वेल्ड में क्या होता है, आपका कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मेंबर्स के बीच में होल करते, जैसे मेंबर है दो मेंबर है, इसमें एक के बीच में होल कर दिया जाता है, इसके बीच में क्या होता है, होल कर दिया जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं प्लग। मान लो दो मेंबर, देखो अगर आप देखोगे तो इनके भी एक जो फर्स्ट मेंबर है और ये सेकंड मेंबर है, इस फर्स्ट वाले मेंबर के अंदर होल करा हुआ है और फिर इसके अंदर वेल्डिंग कर दी, इसको हम क्या बोलते हैं प्लग और स्लॉट। स्लॉट का मतलब क्या होता है, सर्कुलर नाव के चपटा। मान लो अब मैं इस तरीके से होल करता, अभी सर्कुलर तो है नहीं, चपटा सा बन गया, अब इसके देखो यहां पर ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर क्या है, प्लग और स्लॉट। स्लॉट का मतलब क्या है, लंबे लंबे से इलोंगेटेड सर्कल्स होते हैं, इलोंगेटेड सर्कल्स, खींचे हुए सर्कल्स होते हैं। तो अगर दो मेंबर्स हैं, उसमें हमने होल कर दिया या हमने इलोंगेटेड होल्स, लंबे लंबे होल्स कर दिए, मतलब पतले और लंबे, लाइक एलिप्स, पतले और लंबे, तो हम क्या बोलेंगे, देखो जब सर्कल कर दिया तो प्लग, और जो पतले पतले लंबे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्लॉट वेल्डिंग। जब आप दो मेंबर में से एक मेंबर के अंदर होल कर देते हो, सर्कुलर होल कर देते हो या इलोंगेटेड सर्कल कर देते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लग और स्लॉट वेल्डिंग। और जैसे कि आप देखते हो एज वेल्डिंग में होता है, ये दोनों तरफ से वेल्डिंग हो रही है। तो एज सच मैंने आपको अभी डिटेल में नहीं पढ़ाया, मैं एक एक करके सारी वेल्डिंग्स पर डिटेल में आऊंगा, बट अभी हमारा जो टॉपिक है आज का, इसमें अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज बट वेल्ड हो गया अलोंग द सेम एक्सिस, सेकंड इज फिलेट वेल्ड जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है, थर्ड इज स्पॉट और सीम वेल्डिंग, जिसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं पढ़ा उसको समझ में नहीं आएगा, यहां से इलेक्ट्रोड लगती है, इलेक्ट्रोड की तरफ से क्या होता है, इसे फोर्स लगता है और साथ में हीट भी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट इज प्लग एंड स्लॉट वेल्डिंग, जिसमें हम एक मेंबर्स में होल कर देते हैं, सर्कुलर होल या इलोंगेटेड होल कर देते हैं, अगर सर्कुलर करोगे तो प्लग और इलोंगेटेड करोगे तो स्लॉट, और एज वेल्ड आप देख सकते हो कि दोनों इस तरीके से कर रहे थे। थोड़ा सा इसको आप बना लो, टाइप्स ऑफ वेल्ड में लिखो, ये अभी एक ही करके मैं सारे के सारे आपको बताऊंगा, अभी बस आप लिख लो, अभी ज्यादा नहीं करना है, अभी बस आप इसको थोड़ा थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। अब आता हूं मैं अपने मेन टॉपिक पर, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, आज जॉइंट हमने पढ़ ली है, थोड़ी बहुत वेल्ड हमने पढ़ ली, आप इधर आ जाओ, हाँ जी इधर आओ, वेल्डेड जॉइंट्स। अब वेल्डेड जॉइंट्स का मतलब क्या है, वेल्डिंग भी हो रही है और अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने डायग्राम में लिख लेना, मतलब अपने रजिस्टर में बना लेना, वरना आपसे ये टॉपिक नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, पहली बात देखो वेल्डेड जॉइंट्स का मतलब क्या है, कि अगर आप आपको वेल्डिंग भी स्पेसिफाई करनी है और डिफरेंट जॉइंट्स, दैट मींस यू हैव टू स्पेसिफाई वेल्डिंग एज वेल एज जॉइंट, आपको वेल्ड भी स्पेसिफाई करना है, कौन सी वेल्डिंग है, बट है, फिलेट है, कौन सी है, ठीक है, और दूसरा कौन सा जॉइंट्स का अरेंजमेंट क्या है, तो हमें जॉइंट्स का अरेंजमेंट भी बताना है और कौन सी वेल्ड आपको वो भी बतानी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में कौन सा, देखो मेंबर नंबर वन मेंबर नंबर टू, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में जॉइंट कौन सा है, तो आप बिन देखे बोलोगे सर इनके बीच में तो बट जॉइंट है,
और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली वेल्डिंग कौन सी होती है, सर ये तो बट वेल्डिंग होती है, बट वेल्डिंग। तो अगर मैं बट जॉइंट और बट वेल्डिंग को ऐड कर दूं तो क्या बनता है, अब बट वेल्डेड बट जॉइंट, जिसने यहां पर आपकी वेल्डिंग को भी स्पेसिफाई कर दिया, प्लस यहां पर आपने जॉइंट को भी स्पेसिफाई कर दिया, और देन को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बनता है, अब बट वेल्डेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो चीजें गायब हो जाएंगी। तो देखो वेल्डिंग कौन सी है, बट वेल्डिंग है, जॉइंट कौन सा है, बट जॉइंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा वेल्डेड जॉइंट है, तो सर बट वेल्डेड बट जॉइंट है। कौन सा वेल्डेड है, सर बट वेल्डिंग है। कौन सा जॉइंट है, सर बट जॉइंट है। दोनों को ऐड करा, अब बट हमने क्या बात करी, अब हम वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब आपका क्या बन गया, अब बट वेल्डेड जॉइंट एंड बट वेल्डिंग। तो टोटल क्या बन गया, अब बट वेल्डेड बट जॉइंट। अभी इधर आ जाओ, इधर ध्यान से देखना, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहां पर आपके बारे में बात डिस्कस करूं, देखो ये दोनों, अगर इस जॉइंट की मैं बात करूं तो यहां पर दो टाइप के जॉइंट बनते हैं, एक बनता है टी जॉइंट, और अगर मैं देखूं तो ये आपका, अगर आप ध्यान से देखना अगर मैं इनके बीच में आपसे वेल्डिंग पूछूं तो क्या ये बट जॉइंट है, नहीं सर ये तो फिलेट है, और फिलेट वेल्डेड है। बट अगर मैं इनके जॉइंट की बात करूं तो यहां पर ये बट की जगह कौन सा यूज होगा, टी जॉइंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लग बट सर बट है कौन सा, आपका टी जॉइंट ही है, और जो आपकी फिलेट वेल्डिंग होती है वो टी जॉइंट ही होती है। मतलब तुमने गलत लिख दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी गलत लिख बता देंगे, नेट पे तो गलत चीजें मिलती रहती है। तो बट ये आपका कौन सा जॉइंट है, सर देखो इसके बीच में और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, सर 100% टी जॉइंट है, समझो मेरी बात है ना। बट हल्का सा इन्होंने क्यों लिखा है मुझे पता लग चुका है, क्यों लिखा है इन्होंने मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनकी जो एच है ना ये थोड़ी छोटी है, मैं बताऊं आपको। देखो जरा इन्होंने क्यों लिखा है, मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। अगर हम अपने टी जॉइंट पर आते हैं, ये रहा हमारा टी जॉइंट, ये इस मेंबर की, अगर आपको टी जॉइंट के बारे में याद हो तो एक मेंबर का शॉर्टर साइड था और दूसरे मेंबर का लॉन्गर एज था, मतलब एक मेंबर का शॉर्टर एज था और दूसरे मेंबर का लॉन्गर एज था। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं बट जॉइंट की, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब यार गजब हो यार, सीरियसली बहुत अच्छा पढ़ा हूं। क्यों, अगर हम टी जॉइंट की बात करते हैं तो टी जॉइंट में शॉर्टर एज और लॉन्गर एज, जो मैं आपको बार बार लिख रहा था, यहां पर हम अगर बात करें दोनों के शॉर्टर एज है, शॉर्टर एज। अभी ना दो, इन्होंने बट क्यों लिखा है, अब ध्यान से देखना, अगर हम टी जॉइंट की बात करते हैं तो टी जॉइंट में एक मेंबर का लॉन्गर एज होता है और एक में शॉर्टर एज होता है, और वहीं पर बट जॉइंट में दोनों के शॉर्टर एज होते हैं, मतलब समझ मेरे इस तरीके से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अगर हम इस जॉइंट की बात करें, अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया। यहां पर ये कौन सा एज है इस वाले मेंबर का, सर शॉर्टर, और यहां पर ये कौन सा, ध्यान से देखना, देखो अगर आप देख रहे हैं कि अगर ये 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये 8 सेंटीमीटर का छोटा दिख रहा है, तो इसका भी शॉर्टर एज है, दैट मींस मुझे लॉन्गर लग रहा था, कोई बात नहीं शॉर्टर है, सही लिखा इसने, दिस इज शॉर्टर एज। और शॉर्टर एज और शॉर्टर एज के बीच में कौन सा कनेक्शन होता है भैया, आपके सामने देख लो, क्यों इस बंदे ने बट जॉइंट लिखा, मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत डीप टॉपिक है, अगर इन चीजों को आप नहीं समझोगे तो टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। इसने क्यों वहां पर बट जॉइंट लिखा है, दोनों के शॉर्टर एज ज्वाइन हो रहे हैं, दोनों के शॉर्टर एज। अगर हम टी जॉइंट की बात करें तो एक तो होता है लॉन्गर, दूसरा होता है शॉर्टर, तो मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा था, बट अब मैंने बाहर ध्यान से देखा तो दिस इज शॉर्टर एज, और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, शॉर्टर एज और शॉर्टर एज के बीच में कनेक्शन कौन सा होता है भाई साहब, बट जॉइंट होता है। तो देखने से लग तो टी जैसा रहा है, बट आपका है कौन सा, बट जॉइंट है। और यहाँ पर जो वेल्डिंग है वो कौन सी यूज हो रही है, ऑब्वियसली फिलेट वेल्ड हो रही है, ये जो वेल्डिंग है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो वेल्डिंग है यहाँ पर फिलेट है, तो जॉइंट कौन सा हुआ, देखो अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपका, जॉइंट कौन सा हुआ, सर बट जॉइंट हुआ, वेल्डिंग कौन सी है, जॉइंट कौन सा हुआ, सर जॉइंट तो सर देखो आपने बता दिया ना, शॉर्टर एज तो सर बट जॉइंट है, और वेल्डिंग कौन सी, फिलेट। तो ये वेल्डेड कनेक्शन क्या बन गया, फिलेट वेल्डेड बट जॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, बुक्स में इतना स्पेसिफाई इन लोगों को नहीं कर रखा, बुक्स में बहुत गड़बड़ कर रही है वेल्डिंग। भाई देखो हमने भी जो सरकारी एग्जाम निकाले हैं वो सारी इन बुक्स को पढ़ के निकाले हैं, लाइक मैं आपको दो डिफरेंस बता देता हूँ, जब मैंने अपने टाइम पर 3 सरकारी नौकरी निकाली
तो वो मैंने लिटरली IPS की जो बुक्स हैं, जो उनकी कोचिंग्स हैं, उनके कंटेंट पढ़ के ही निकाली, और जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो मैं IPS की बुक की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। बट फिर जब मैंने एग्जाम निकाल लिए, फिर साइड वाइड पे भी ज्वाइन करा, तो मुझे फिर पता लगा कि ठीक है, वो बुक्स एग्जाम के लिए बहुत अच्छी थी, IPS का कंटेंट जो अवेलेबल है वो बहुत अच्छा है। पर जब मैं साइट पर गया तो मुझे हल्की सी लगी कि नहीं यार, उसमें कुछ नॉलेज की चीज़ें कम थी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट है, फर्स्ट रैंक है, बट आप बोलोगे एग्जाम प्लस नॉलेज, तो हल्की सी वो मात खा जाती है, क्योंकि उनके पास भी यार देखो, अगर वो नॉलेज भी दिख देंगे तो बुक इतनी मोटी बन जाएगी, तो उनकी मजबूरी होती है कि बस वो आपको ऐसा कंटेंट देते हैं जिससे आप सरकारी निकाल लो। और हम क्या पढ़ाते हैं, सब सरकारी तो निकालो निकालो, पर कल की तारीख में पक्के इंजीनियर भी बन जाओ। तो मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इधर आ जाओ, अगर आप इधर देख सकते हो तो यहाँ पर क्या हो गया, बट वेल्डेड बट जॉइंट, और यहाँ पर क्या हो गया आपका फिलेट वेल्डेड बट जॉइंट। अगर आप एक चीज ध्यान से देख सकते हो, अभी कंपाउंड वाले आप मत जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा इसको। अब अगले पे आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस टॉपिक की बात करें, सबसे पहली बात आप आ जाओ, इस मेंबर का कौन सा एज है? सर ये लॉन्गर एज है, लॉन्गर एज, लॉन्गर एज है सर। और ये कौन सा एज है? सर दिस इज शॉर्टर एज। तो सर क्या है कि यहां पर दो मेंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। किस किसके बीच में? एक मेंबर के शॉर्टर एज के बीच में और एक मेंबर के लॉन्गर एज के बीच में। और जब शॉर्टर एज, मैं बता रहा हूं ना, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, जब शॉर्टर एज और लॉन्गर एज मिलते हैं तो कौन सा ज्वाइंट बनता है भाई? सर टी ज्वाइंट। बहुत डीप चीज बढ़ा रहा हूँ मैं आपको, फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है, आदमी कंफ्यूज होता है कि सर समझ में नहीं आ रही बात, हम समझाएंगे ना आपको। तो दैट मीन्स अब आपको बता रहा है सर शॉर्टर एज और लॉन्गर एज के बीच में 100%। अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर भैया दोनों शॉर्टर एज थी, जब शॉर्टर एज से शॉर्टर एज कॉन्टेक्ट में आती है तो बट ज्वाइंट बनता है, जब शॉर्टर एज से लॉन्गर एज कॉन्टेक्ट में आती है, अब यहाँ पर शॉर्टर लॉन्गर, तो सर बनता है टी ज्वाइंट। और इनके बीच में जो वेल्डिंग है वो देख सकते हैं, वो कौन सी है, कौन सी वेल्डिंग है सर? फिलेट वेल्डिंग है, ट्रायंगुलर है। अभी आप देखना, मस्त चीज बताता हूं मैं आपको। अब देखो इधर ध्यान से देखना, अब यहां पर पहली बात, ज्वाइंट कौन सा है? सर नो डाउट टी ज्वाइंट, सर नो डाउट टी ज्वाइंट है सर, इनके बीच में नो डाउट टी ज्वाइंट है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर जो उन्होंने वेल्डिंग कर रखी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके से वो इस मेंबर के प्लेन में ही है। यहां पर जो वेल्डिंग थी वो इन दोनों मेंबर से अलग प्लेन में थी। देखो यार, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा ना, तो देखो ना, कोई आपको इंडिया में, पूरे इंडिया में इतना डीप पढ़ाने वाला है, और ना आप किसी किताब से पढ़ पाओगे। मैं पूरा ओपन चैलेंज करता हूँ, पूरे इंडिया में इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। जो लोग मुझे देखते हैं ना, वो पूरे पता है डीप पढ़ाता है, बहुत ज्यादा डीप। हमने एक चीज देखी थी कि जो हमारी बट वेल्डिंग थी वो अलोंग द मेंबर्स होती थी, अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर। अगर आप देखोगे तो ये जो मेंबर है उसी के सेम प्लेन में ये वेल्डिंग है, और जो वेल्डिंग मेंबर के सेम प्लेन में होती है वो हमेशा कौन सी होती है? बट वेल्डिंग। यहां पर आप देखोगे तो वेल्डिंग अलग सी थी, सेम प्लेन में नहीं थी, ना इस मेंबर के ना इस मेंबर के, तो ये फिलेट वेल्डिंग बनी। यहां पर भी ट्रायंगुलर सी वेल्डिंग है, बट ये अलोंग द मेंबर है, और जब कोई वेल्डिंग अलोंग द प्लेन ऑफ मेंबर होती है वो हमेशा बट वेल्डेड। तो अगर मैं बात करूं यहां पर जॉइंट कौन सा है, सर शॉर्टर एज लॉन्गर एज, वो आपका टी जॉइंट है। अब थक गए भैया, अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।